लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में गायिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस खबर के बाद से उनके चाहने वालों को गहरा सदमा लगा है, खासकर बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव वाले, जहां शारदा सिन्हा का पैतृक गांव है। वहीं इस दुखद खबर के बीच छठ पूजा का पर्व भी शुरू हो चुका है, जो बिहार वासियों के लिए एक खास महत्व रखता है। शारदा सिन्हा के छठ गीतों के बिना छठ पूजा अधूरी सी लगती है। वो शारीरिक रूप से तो चली गई, लेकिन आज भी उनके गीत लोगों के मन में बसे हुए हैं। वहीं अब बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग इस दुखद खबर पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने शारदा सिन्हा के निधन पर रिएक्शन देते हुए कहा, विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही। बिहार की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी ने मैथिली और भोजपुरी लोकगीत को जन जन का कंठहार बनाया है और पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जगत को मंत्रमुग्ध करती रही। पूर्वांचल के लोक संस्कार उनकी आवाज के बिना अधूरे लगते हैं। इस छठ महापर्व पर उनका स्वर भक्तों को निश्चय ही और भी भावुक करेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ है। छठी मैया दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। वहीं बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बहुत दुखद समाचार। अपनी गायकी से भोजपुरी संगीत और गायकी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाने वाली महान गायिका शारदा जी को नमन। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। वहीं इस पर भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव ने भी लिखा है, स्वर के अद्भुत साधिका लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन के खबर से आंख नम अमन भारी बा। शारदा सिन्हा जी के आवाज और सुर से बिहार के माटी के मिठास हर कोई महसूस कैल्स। भगवान उहां के आत्मा के शांति आ परिवार के ये दुख सहन करे के हिम्मत देस। उहां खानी दोसर केहु ना होई। वहीं भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन भी शारदा सिन्हा के निधन पर भावुक हो गए। रवि किशन ने एक्स अकाउंट पर लोक गायिका को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, स्वर की देवी हमारी संस्कृति के पहचान, जिसके आवाज के बिना छठ पर्व शादी विवाह सब अधूरा होता है। आज छठी मैया माँ शारदा सिन्हा जी को अपने पास बुला लिए। छठी मैया इनको स्वर्ग प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। इसके अलावा भोजपुरी गायिका मालिनी अवस्थी ने शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देते हुए और इमोशनल पोस्ट करते हुए लिखा, दीदी आपको कैसे अलविदा कहूँ। वहीं मनोज तिवारी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, छठी मैया और भक्ति संगीत के माध्यम से भोजपुरी की मिठास को देश दुनिया में पहुंचाने वाली बड़ी बहन शारदा सिन्हा दीदी जी के अंतिम दर्शन आज एम्स दिल्ली में किए। दीदी शारदा जी का निधन भोजपुरी जगत और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिन्हा ने भी लिखा, बिहार के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का निधन बेहद दुखद है। ये एक युग का अंत है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके प्रियजनों और प्रशंसकों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। श्रद्धांजलि। नीतीश कुमार ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर रिएक्शन देते हुए कहा, बिहार की कोकिला पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा जी का निधन दुखद। वो मशहूर लोक गायिका थी। उन्होंने मैथिली बजिका भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी मधुर आवाज दी थी। स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के छठ महापर्व पर सुरीली आवाज में गाए मधुर गाने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी भागों में गूंजा करते हैं। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। उनकी आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दुखद की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे कि ईश्वर से प्रार्थना है। इसके अलावा डॉक्टर कुमार विश्वास, पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।